अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री प्रज्ञा मंडल साखू फोर्ट की ओर से कस्बे की श्री साई गौशाला में रविवार को नौ कुंडली गायत्री महायज्ञ हुआ। व्यास पीठ से आलोक कलोईया और जय सिंह ने यज्ञ का संचालन करते हुए कहा कि यज्ञ भगवान को भोजन कराने का वैदिक माध्यम है। यज्ञ भारतीय संस्कृति के पिता और गायत्री माता है। उन्होंने कहा कि बीमारियों से बचना है तो घर में प्रतिदिन या साप्ताहिक हवन कराना चाहिए। यज्ञ से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इससे पूर्व वेद माता गायत्री गुरु सत्ता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भगवती देवी शर्मा सहित 33 देवी देवताओं का आह्वान कर पौड़शोपचार पूजन किया गया। अग्नि स्थापना कर गायत्री एवं महामृत्युंजय मंत्र के साथ यज्ञ देवताओं को आहुति अर्पित की गई। कोरोना महामारी के नाश के लिए विशेष आहुति अर्पित की गई। इस अवसर पर युवा भारत मातृभूमि अभ्युदय इकाई भगवत सिंह नवयुवक मंडल संस्थान की ओर से अन्य जागरूकता और वीर वीरांगना प्रदर्शनी लगाई गई। जिला योग प्रचारक नरेंद्र भारतीय ने पर्यावरण जागरूकता का संदेश देते हुए वैदिक वंदना की। उपस्थित लोगों को मांगलिक कार्यक्रम में भोजन के दौरान जूठा नहीं छोड़ने, अधिक से अधिक पौधरोपण करने का संकल्प करवाया। साथ ही अपने घर और प्रतिष्ठान में महापुरुषों के चित्र लगाने एवं सद साहित्य के अध्ययन और नियमित योग करके आह्वान किया। शिक्षाविद ब्रजमोहन कारगवाल ने प्लास्टिक के थैलियों को पानी और शीतल की खाली बोतलों में भरकर इको ब्रिक्स बनाते हुए पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर गायत्री विद्या मंदिर के विद्यार्थियों द्वारा तैयार इको ब्रिक्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि प्रेम सिंह उदावत, गौशाला समिति के अध्यक्ष अरुण दीक्षित, सचिव भवर लाल गोस्वामी, रामकरण कारगवाल, डॉक्टर गोपी कृष्ण निमीवाल, ताराचंद्र निमीवाल, दिनेश सोनी, हरचंद्र कारकवाल, भुवनेश्वर शर्मा, रिपीट भुवनेश्वर शर्मा, नागरमल कारकवाल, प्रदीप जांगिड़, रामकरण काजला, टीकू राम कारकवाल यजमान के रूप में उपस्थित रहे। जब जब जन्ने जा